अरे वाह जादू, आओ बैठो बैठो। तुम लोगों को देख के दिल खुश होता है यार मेरे दोस्त। बैठो 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 जानू, बैठो। आप कैसे हैं? बस आप ठीक है, पर तुम्हारी फिक्र रहती है और बात तुम्हें देख कर दिल खुश होता है। मेरे प्यारे दोस्त साथ देने वाले सच्चे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस हम आपसे मिलने के लिए आए थे। हाँ जाहिर है मुझसे मिलने के लिए आए थे, कभी मैं आता हूँ कभी तुम आते हो, एक दूसरे की जान हो तुम क्यों। क्या कहोगे तुम बताओ? नहीं नहीं बहुत कोई ऐसी बात नहीं, रहीम को लेकर आया था। बाबा आपकी बहुत मेहरबानी, आपसे मुलाकात हो जाए हमारे लिए यही सब कुछ है। जानता हूँ तुझको, जानता हूँ तुम्हें, तू रहीम को एक दिन मरवाएगा। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, रहीम हमारा यार है, हम तीनों दोस्त हैं। आप भी बाबा ऐसी बात। रहीम रहीम क्या कहता है ये? आप ठीक कैसे हो? बंदा ये खतरनाक है बाबा। ऐसी कोई बात नहीं है, रहीम मेरा यार है, इसको कभी मैं धोखा नहीं दे सकता। बाबा मैं झूठ नहीं बोलता बाबा, झूठ बोलता है। नहीं बाबा मैं झूठ नहीं बोलता, जानता हूं तूने इसके, मैंने नहीं दिया इसके सर पे, जानता हूं मैं इसके पैसे लिए, तूने सब जानता हूं, तेरी एक बात को जानता हूं, मुझे सब कुछ पता है तेरे लिए। सबूत ला के दूंगा आपको। ड्रामा करता है, ड्रामा मुझसे ज्यादा मत छुपा अपने आप को, मैं सब जानता हूं मैं यारी कितना गहरा है। यारी मैं दगा नहीं करता, मैं झूठ मत बोल, मुझे पता है तूने तो रहीम को मरवाया, मरवाएगा तो इधर रहीम को, मुझे सारी रिपोर्ट पता है, एक एक बात पता है, बहुत छुपाता है तू बात को, बहुत छुपाता है, लेकिन तू जानता नहीं है, मुझे सब पता है, सब पता है, सब बताते हैं, सब पता है। इल्जाम है मुझ पे, इससे पहले दो बार कातिलाने हमले हो चुके हैं मुझ पे, ये तो अच्छा है बाबा का हाथ मेरे सर पे है। ये आप लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जब तक मैं अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दूं, मैं आपके पास नहीं आऊँगा। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। शहर शहर नगर नगर गली गली मुझे बाबा डकैत कहते हैं, बाबा डकैत। मैं खिलाड़ी हूँ फुटबॉल का, डकैत का मतलब ये नहीं कि मैं डकैती करता हूँ, पता नहीं क्यों कहते हैं। मैं तो देखो ये मेरी शर्ट है, मैं फुटबॉल खेलता था शौक से, फुटबॉल का खिलाड़ी बनना चाहता था और मैंने बहुत खेला है। अगर मैं लोगों के काम आ गया दो चार तो उसका मतलब है मैं डकैत हो गया? मैं डकैत वकैत नहीं हूँ, मैं लोगों का हमदर्द हूँ, मोहब्बत करता हूँ, उनके दुखों में अपना हाथ रखता हूँ, उनको सहारा देता हूँ, खिलाड़ी हूँ फुटबॉल का, फुटबॉल का मुझे शौक। सर मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करने आई थी, ये एक रिपोर्ट बनाई है मैंने, लियारी गैंगवार। लियारी गैंगवार कौन है? सर लियारी गैंगवार थी कुछ, लियारी गैंगवार कौन है, तुम जानती हो कौन है लियारी गैंगवार? कोई नहीं है लियारी गैंगवार, लियारी कोई नहीं है, ये अमन है, अमन है। मोहब्बत करने वाले लोग रहते हैं, खिलाड़ी रहते हैं, कोई वार वार नहीं है इधर, गैंगवार गैंगवार बदनाम कर रखा है, फनकार रहते हैं यहाँ, फुटबॉलर रहते हैं यहाँ, मोहब्बत करने वाले लोग रहते हैं यहाँ, बदनाम करके रख दिया मेरे लियारी को, गैंगवार गैंगवार। अरे एक से एक खिलाड़ी बैठा है यहाँ पर फुटबॉल का, जो पाकिस्तान का नाम ऊंचा करना चाहता है, मौका तो दो तुम लोग उसको, बदनाम करके रख दिया है। फनकार रहते हैं इधर, फनकार मोहब्बत करते हैं हम लोगों से, एक दूसरे से काम आते हैं एक दूसरे के, कौन है ये लोग जो हमारे इस इलाके को बदनाम कर? सर रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स ऑफ रेगुलेशन क्या है ये, क्या आप बदनाम करने के लिए रखा है ये? हमारा इलाका साफ सुथरा अमन वाला इलाका है, खिलाड़ी हैं यहाँ पर, अजीब अजीब तरह से उनको बदनाम करके रख दिया, क्या मकसद है इनका?
क्या चाहते हैं यार, गुंडे बदमाश डकैत रहते हैं तो। अरे मिलो इनसे, मोहब्बत से बात करो, पूछो इनसे क्या तकलीफ है, क्या चाहिए इनको, तालीम चाहिए इनको, खेल चाहिए, सुकून चाहिए, पूरी फिजा हमारी खूबसूरत बन जाए। ना देने के लिए बहाने बनाते हैं लोग, बदनाम करके रखते हैं ना देने के लिए, यहाँ के हुकूक नहीं देने के लिए इन बदनाम करते हैं। डकैत फलाना डकैत, ये डकैत वो डकैत, बदमाश गैंगवार, मासूम लोग हैं मासूम। मैं कितना समझाता हूँ लोगों को यार, अब तो अकल के नाखून पकड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि फिर वाकई यहाँ से गैंगवार पैदा हो जाए और तुम सबको लपेट ले। मोहब्बत करो यार, मोहब्बत करो, इंसान है ये लोग, इंसान समझो इन सबको, सबको इंसान समझो, गैंगवार शेंगवार नहीं, खिलाड़ी बनाओ। तालीम तो कितनी कोशिश करता हूँ मैं इन लोगों के लिए, इन लोगों की भलाई के लिए काम करता हूँ मैं, तालीम हासिल करें, खेलें, इनके लिए ग्राउंड बनाता हूँ ताकि खेलें, मुल्क का नाम रोशन करें। लेकिन मुझे भी इन्होंने डकैत कह दिया है, बाबा डकैत डकैत। अब गैंगवार कौन, गैंगवार कैसा, गैंगवार किसका गैंगवार? अरे यार अमन से रहने वाले लोग हैं, मोहब्बत से लोग रहते हैं इधर, भाईचारगी से रहते हैं, इंसान है ये लोग, अल्लाह के बंदे हैं ये लोग, कोई अलग मखलूक नहीं है इधर, ये इंसान तो समझो, तुम भी इंसान हो, इनको भी इंसान समझो, हुकूक दो इनको, क्या चाहिए इनको जो पूछो उनसे, यहाँ की जरूरत को पूरा करो, तो कभी फिर वो ऐसा गैंगवार शैंगवार का लफ्ज नहीं आएगा। लेकिन ये लोग चाहते यही हैं कि ना दो और इनको बदमाश करके बदनाम कर दो, गैंगवार गैंगवार, अजीब तरह के बंदे, जाओ कैसे समझाऊं इन लोगों को, मैं इनको काम आता हूँ, मैं इनको समझता हूँ, अच्छी तरह समझता हूँ इनके दिल को, इनके सोच को, क्या चाहते हैं ये, जो चाहते हैं मैं देता हूँ उनको, हाथ जोड़ कर देता हूँ, ये लो बाबा सब तुम्हारा है, लेकिन हमारे इलाके को बदनाम ना करो। तुम्हारे जरिए मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह रसूल के वास्ते, अल्लाह और रसूल के वास्ते हमारे इलाके को बदनाम मत करो। सर आप कहते हैं कि आप आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, आप मुझे बताएं क्या इस तरह आवाम की नुमाइंदगी करते हैं? क्या करता हूँ मैं, गलत काम करता हूँ, वरगलाता हूँ उनको, सबूत दो, सबूत लाओ मेरे लिए, मैं भलाई के काम करता हूँ। भूख अफलास कौन खत्म करता है? गवर्नमेंट करती है, इदारे करते हैं, यहाँ से जो लोग जीत कर जाते हैं, वोट मांग कर जीतते हैं, जाते हैं असेंबली में, उनका काम है, वो अपनी जेबें गर्म करते हैं, यहाँ का कोई काम नहीं करते, यहाँ के लोगों के सरों पर हाथ नहीं रखते, उनको सहारा नहीं देते, उनको काम रोजगार नहीं देते, क्या करेंगे ये लोग बताओ? ये भूख लफड़ास मेरी कोशिश होती है, मैं करता हूँ जो कुछ मुझसे हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का काम है ना, इदारों का काम, वो इदारे काय के लिए बनाए जाते हैं, इनकी भलाई के लिए बनाए जाते हैं, नहीं करते ये लोग, फिर नशों को जो गुस्से में आके कुछ अगर हरकत कर भी देते हैं तो कहते हैं डकैत। उनकी दिल की गहराई को समझो, उनके हालात को जानो, देखो बीबी ये जो पेट है ना, पेट है, इसको इसकी भूख मिटाने के लिए ये लोग मेहनत करते हैं लेकिन हक नहीं मिलता, इनका काम है ना इनको सहारा देना, काम देना। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों को कोई अच्छा रास्ता नहीं मिलता, कोई सीधा रास्ता नहीं मिलता, वो जराइम का रास्ता अख्तियार कर लें, ये मजबूरी में दो चार कदम उठा लेते हैं, लेकिन डकैत नहीं है। मैं तुमसे बात करता हूँ, तुमको भूख लग रही है, तुम्हें खाने के लिए अगर नहीं मिलेगा एक दिन दो दिन और फिर तुम्हें झाड़ा जाएगा, डांटा जाएगा, मना किया जाएगा, तुम्हारी क्या कैफियत होगी? तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, इंसान समझती हो, क्या होगा तुम्हारा? ये भूख है ना, भूख, ये काम रोजगार, ये दो, इंसाफ करो, इंसाफ करो इन लोगों के साथ। जब इनके साथ इंसाफ करोगे, इनके हुकूक दोगे तुम, तो जाकर वो कुछ ऐसा काम नहीं तो करेंगे। सर आप रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत चले ना, 22 बने गले लगाओ उनको, अरे उनकी फीलिंग समझो,
जब समझोगे तुम उनकी बात को, उनकी मजबूरी को, उनके जो उन पर जुल्म हो रहा है उसको, तो ज़ाहिर है तुम कदम उठाओगे, अच्छा कदम उठाओगे। अब तुम लोग नहीं उठाते हो तो मैं, मुझ जैसे लोग उठाते हैं, मैं उठाता हूँ, मैं करता हूँ। तो अगर वो मुझे मोहब्बत से पेश आता है तो मैं भी डकैत हो गया, मैं उनके हकूक देता हूँ, उनका पेट भरता हूँ, उनका रोजगार का बंदोबस्त करता हूँ, कोई और तो करता नहीं है। मैं अपनी बिसात पर जितना मुमकिन हो सकता है मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे इलाके के हैं ये लोग, मैं इनको ऐसे नहीं मरने दूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। इधारों का काम है तो आप साफी हैं तो साफी को समझाओ, साफी समझाएगा इधारों को, चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कौन हम काले करो तुम्हें, आप हक दो इनके, जब हुकूक दोगे तो कोई गलत काम नहीं करेगा, कोई छीना झपटी नहीं करेगा, इंसान है इंसान, जानवर नहीं है। अब मैं ये टोपी में इज्जत की पहना रहा हूँ, क्यों, ये मेरा दोस्त है, लेकिन मैं इज्जत दे रहा हूँ। अब यही इज्जत तुम हमारे लोगों के साथ करोगे तो वह कितनी मोहब्बत करेंगे तुमसे। मजाल है जो कोई तुम्हारे साथ कोई टेढ़ी बात कर जाए, भूखा रह लेंगे लेकिन इज्जत देंगे, लेकिन तुम भी तो गले लगाओ उनको। ठीक है सर, कानून ने तो आपकी पहनाई हुई टोपी पहन ली। आपका इंटरव्यू मैं बाद में जरूर करूंगी, काफी दिलचस्प आदमी हैं आप। हाँ, दिलचस्प तो मैं हूँ क्योंकि मैं लोगों से मोहब्बत करता हूँ। अभी के लिए सर इतना ही, अल्लाह हाफिज। ओके बाय।